हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रारंभिक परीक्षा 2024 हिंदी मॉडल पेपर के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता है, बहुत से बच्चों को YouTube पे बताया जा रहा है कि पेपर जो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय की तरीके से आता है। बिल्कुल गलत है। जवाहर नवोदय विद्यालय में केवल पैराग्राफ पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक ही पैराग्राफ पूछा जाएगा। उसके अलावा सारा पेपर आपका ग्रामर का होगा। जितने भी पिछले 18 मंडलों के पेपर हुए थे, उन सब में ठीक इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो आइए मैं जल्दी से आपको यह भी बता देता हूँ किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और उसका मॉडल पेपर भी यहाँ पर हम हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं, भाषा और व्याकरण भी आपको पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है, संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन है, कारक है, विशेषण की पहचान है, अव्यय है, क्रिया, काल, काव्य, परिवर्तन है आपका, वाच्य परिवर्तन है, सॉरी, संधि और समास भी देख लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय देख लीजिएगा, शब्द ज्ञान देख लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति भी देख लीजिए, वाक्य विचार, शुद्ध अशुद्ध, और उसके बाद आता है अपठित। अब आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताते हैं किस प्रकार के प्रश्न सबसे आते पहला हैं। आपके पास प्रश्न संख्या 76 से 81 तक जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जल्दी से मैं इस गद्यांश को पढ़ देता हूँ। प्रत्येक 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमें मात्र एक विशेष दिन के अंतर्गत ही महिलाओं के सम्मान तथा उनकी प्रगति, सुरक्षा आदि के विषय में विचार करना चाहिए? कहने का तात्पर्य यह है कि हमें केवल महिला दिवस को ही महत्वपूर्ण ज्वलंत विषयों पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस ओर प्रतिदिन गहन चिंतन करना होगा कि महिलाएं स्वयं अपने आप को कब स्वतंत्र और सुरक्षित अनुभव करेंगी। प्रत्येक परिवार के प्रमुख सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों, आगे मैं और आपको पढ़ के सुनाता हूं, बच्चों तथा अन्य सगे संबंधियों को महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा दें और उन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं, जिससे वे सृष्टि के इस अनमोल रचना यानी स्त्री का महत्व समझें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ये जो हमने पढ़े हैं और उसी पर आपको मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि उसने पहले ही, जैसे ही हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल शुरुआत में ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगा दीजिए, 8 मार्च, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हमें महिलाओं का सम्मान कब करना चाहिए? तो अभी इसके बारे में भी बात हो चुकी है कि उनका हर समय जो है सम्मान अगर किया जाए, तभी ये महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है, देखिए 78। तो 78 प्रश्न में आपको बताया जा रहा है, गद्यांश में ज्वलंत विषय किसे बनाया गया है? तो इसमें कौन सा ज्वलंत किसको बनाया गया? तो यहाँ पर महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा से संबंधित, यानी यहाँ पर हम ऑप्शन बी की बात करी गई है, तो यहाँ हम ऑप्शन बी को यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आता है 79, हमें प्रतिदिन किसका गहन चिंतन करना चाहिए? तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो हमको किसका करना चाहिए? हमें महिलाएं स्वयं को सुरक्षित और स्वतंत्र कब अनुभव करेंगी, है ना, इस पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए को कर लेंगे। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए, परिवार के प्रमुख सदस्यों का क्या उत्तरदायित्व है? जैसा कि 80 में बताया गया था कि वे अपने बच्चों को, महिलाओं को सम्मान करने की अगर शिक्षा देते हैं, तो ये महिला दिवस हमें मनाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अब इसके बाद से देखिए, महिला दिवस पर किस विषय पर बात की जानी चाहिए? तो यहाँ पर आपको बात करना है कि किस विषय पर इसकी जो है बात की जानी चाहिए, तो वो होनी चाहिए महिला सशक्तिकरण की, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से हम सही कर लेंगे, और यहाँ से ऑप्शन बी वाले को हम यहाँ टिक कर देते हैं। अगले प्रश्न की बात करूँ, अब देखिए यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो गई, जहाँ से आपको ग्रामर के सभी प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक करना है। निम्न में कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है, तो वारिद जो है ये पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न 83 है, निम्न में कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो अंबर जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, धरा है, वसुंधरा है और वसुधा, ये सभी हैं। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची
नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना नहीं है कि बात की जा रही, तो जो अंबु है ये इसका नहीं है पर्यायवाची। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 85, निम्न में कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। घोड़े के आपको सारे पर्यायवाची नहीं आते तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं है कौन सा पूछा जा रहा, भूमि देखिए नहीं है, अच्छ नहीं है, नब नहीं है, है जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है बच्चों। अगर मैं 86 की बात करूं तो 86 में निम्न में कौन सा शब्द भाई का पर्यायवाची है, तो भाई को और क्या कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, भ्राता जो होता है वो भाई का जो है पर्यायवाची, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, अगला प्रश्न है सूर्य से पहले यानी जो सूर्य उग नहीं पाता उससे जस्ट पहले के समय को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों भोर, ठीक है, नहीं कहते भोर हुआ, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको बच्चों कहते हैं आस्तिक, ये सभी को जरूर मालूम होगा। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, उसको भी मालूम होगा, सभी लोग वाचाल बोलते हैं। रथ हाँकने वाले को क्या कहा जाता है, यानी जो रथ हाँकता है उसे क्या कहा जाता है, तो चूंकि आपने अगर महाभारत देखे होगी तो उसमें सारथी जो है रथ हाँकने वाला था, यानी जो रथ हाँकता उसको हम लोग सारथी के नाम से जानते हैं। अगला है दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं, तो जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे अपराहन बोलते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बच्चों सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ यहाँ से, तो उचित शब्द को आपको लिखना है, जैसे जो जीता ना जा सके उसे किस शब्द से संबोधित करेंगे, तो उसे कहते हैं अजेय, यानी ऑप्शन यहाँ से बी। अगला प्रश्न है जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई ना हो, तो जिसका कोई नहीं होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, अनाथ कहते हैं, जिसका होता है उसको सनाथ कहते हैं। फेंक कर चलाने जाने वाला, यानी जो फेंक जैसे हम लोग भाला चलाते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी जो भाला होता है उसको हम अस्त्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको फेंक के चला जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अब बढ़ता हूँ मैं आखिरी और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला है किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। कुल मिला के आज आपके पास जो प्रश्न थे 20 वो कैसे लगे, अगर ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आप प्रतिदिन मिलती रहेंगी जहां पर हम अटल आवासीय विद्यालय की संपूर्ण तैयारी कक्षा 6 से लेकर के 9 तक कराते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी वीडियो कक्षा 6 कक्षा 9 के हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, इन सब के पेपर मैं करा चुका हूँ। जल्दी से आप प्लेलिस्ट पे जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पर आप इन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं जहाँ पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में।